किस मतलब पानी घर में गिर गिर के किस तरह हो गया दोस्तों, पूरा पानी गिरा है। सो देख सकते हैं इधर भी पूरा घर चुताई भी और जलावन सब भी गोठा मतला सब भी पाते सब भीग गया दोस्तों। गए थे कल मम्मी बाजार तक पल्ली लाए मम्मी पर। सो देखिए दोस्तों अभी जो है तिरपाल पर तो फट गया है। सो दोस्तों और दिखाते हैं, पानी बहुत ज्यादा आया था, आ जाओ दिखाते हैं गोठा उठा जो पारे थे सो भीज गया है, आप लोगों को दिखाते हैं। और देखिए कैसे इनको तिरपाल से ढक दिए हैं दोस्तों, और देखिए दोस्तों कैसे तिरपाल से जलावन को ढक दिए हैं। एक तिरपाल ये छोटा सा ला दी ना, और ये तिरपाल लाए हैं सो उसी घर पे देंगे हम लोग। फिलहाल देख सकते हैं इधर कपड़ा से क्या करेंगे, नहीं था तिरपाल सब ना इसीलिए कि वो बड़ा बड़ा हो गया गाछी है ना भिंडी का। सो दिखाते हैं दोस्तों कितना बड़ा बड़ा हो गया है, आइए ना। हम तो कभी नहीं लगाए थे, आरती जी लगाए हैं। सो दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को, और ये देखिए दोस्तों ये भिंडी का ही गाछ है, होता है मिट्टी मिट्टी का होता है, जिस तरह मिट्टी रहता है ना उस तरह गाछ आता है ना है? उठो तो चलो जाते हैं। सो दोस्तों अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा तिरपाल उरपाल रख देंगे क्योंकि अभी बाहर गए थे दोस्तों, इसीलिए हम लोग तैयार हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं और वीडियो डाले हैं, अभी इनका आधार कार्ड सही कराने के लिए गए थे दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग अभी तैयार हो गए थे और उधर से गए तो फिर याद आया कि घर का जो है उधर पानी चू रहा था, इसीलिए तिरपाल खरीद लेते हैं। सब चीज़ हम लोग ले लिए हैं, अब जो भी करेंगे तो तिरपाल तो से पापा दे ही दिए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अभी बिल्कुल अच्छे। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ आरती और मन्नू के बारे में कि जो उनका घर है वो पानी की वजह से पूरी तरह से चू रहा है, ज़्यादा चूने लगा है, जिस वजह से पूरा घर बहुत ज़्यादा भीग चुका है। तो दोस्तों अभी बहुत सारे इलाकों में बहुत ही तेज़ की बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है बहुत सारे शहरों में। तो आरती के घर में जो बारिश हुई थी तो पूरा घर मतलब उन्होंने जो कुछ भी लगाया था फसल वगैरह वो सब कुछ ख़राब हो गया, जैसे कि भिंडी वगैरह लगाया हुआ था तो भिंडी जो है वो भी ख़राब हो गई। तो आरती और मनु ने सोचा क्यों ना मार्केट जाके तिरपाल वगैरह लाया जाए मार्केट से, और तिरपाल लगाने के बाद जो है लकड़ी वगैरह जो है वो सब मतलब सुरक्षित रहे, भीगे नहीं बारिश की वजह से, क्योंकि वो लोग अधिकतर खाना लकड़ी पे ही बनाते हैं। आरती ने भी इस वीडियो में कहा है कि चलिए तिरपाल ले आते हैं, मनु से उन्होंने कहा कि चलिए मार्केट जाके तिरपाल ले आते हैं और पूरे छत पर फैला देते हैं और अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो घर के अंदर और जहाँ पे लकड़ी रखी है उसके अंदर ना आ पाए। तो दोस्तों मन्नू और आरती को नहीं पता था कि बारिश की वजह से उनका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो लोग गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में तो सभी लोगों को पता होगा कि लकड़ी पे खाना बनाया जाता है। आरती और मन्नू लोग भी अधिकतर लकड़ी पे ही खाना बनाते हैं, कभी कभी गैस पे बनाते हैं। तो मौसम ख़राब होने की वजह से लकड़ी भी उनकी पूरी तरह से भीग गई बारिश के पानी के वजह से। तो मनु ने सोचा क्यों ना तिरपाल से ही पूरा ढक दिया जाए, कवर कर दिया जाए, जिससे कि लकड़ी भी बची रहे और अच्छे मतलब लकड़ी हमेशा सूखी रहे, ख़राब ना हो, और जो कुछ उनका नुकसान हो रहा है वो सब कुछ ना हो। तो मनु और आरती इस बात की केयर करते हैं अपने घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी देख रहे हैं। तो अभी उनके मम्मी पापा की तबीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए सब सारा काम मनु और आरती अभी संभाल रहे हैं। तो दोस्तों मन्नू ने तो बस रियलिटी दिखाई है अपने घर की कि उसकी आर्थिक स्थिति और घर की हालत कैसी है, लेकिन बहुत सारे लोग उन पर कमेंट कर रहे हैं कि उनके घर मतलब वो यूट्यूब से बहुत पैसा कमाते हैं, तो ये सब कुछ झूठ है। तो ऐसी बातों पे प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिए कि मन्नू और आरती की आर्थिक स्थिति कैसी, आप लोग सब देख रहे हैं इस घर से कितना उनको दिक्कत हो रहा है और दिक्कत से वो लोग उस घर में रह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि वो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अच्छे से नहीं रह रहे हैं, बहुत ही मजबूरी में उस घर में रह रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।